सहारनपुर थाना सदर बाजार पुलिस क्राइम ब्रांच व सर्विस लांस की टीम ने तीन हत्यारे दोस्तों को किया गिरफ्तार। सहारनपुर थाना सदर बाजार अंतर्गत मोहल्ला हरिनगर निकट चूना भट्टी निवासी 17 वर्षीय विनय 14 तारीख को गायब हो गया था, जिसका शव थाना रामपुर मनियाहारान क्षेत्र में मिला था, जिसके संबंध में थाना सदर बाजार में हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया था। थाना सदर बाजार पुलिस क्राइम ब्रांच व सर्विस लांस की संयुक्त टीम ने इस हत्याकांड को करने वाले मृतक के तीन दोस्तों प्रवीण उर्फ रेंचो पुत्र प्रीतम सिंह निवासी लेबर कॉलोनी थाना कुतुबशेर, अंकुर उर्फ धनंजय पुत्र संतोष निवासी लेबर कॉलोनी थाना कुतुबशेर व सोनू और गोला पुत्र राजेंद्र निवासी ग्राम लखन माजरा थाना सदर बाजार को गिरफ्तार करने में कामयाब हुई, जिसका खुलासा आज सहारनपुर पुलिस लाइन स्थित सभागार में अपर पुलिस अधीक्षक नगर राजेश कुमार ने प्रेसवार्ता कर किया। उन्होंने बताया कि प्रवीण उर्फ रेंचो के 2000 रुपये मृतक द्वारा उधार लेकर वापस न देने और पैसे मांगने पर विनय द्वारा रेंचो को धमकाने तथा अंकुर उर्फ धनंजय से कुछ दिन पूर्व मृतक विनय द्वारा की गई मारपीट का बदला लेने के उद्देश्य से इन तीनों ने योजना बनाकर दोस्ती का वादा देते हुए बहाने से विनय को अपने साथ मोटरसाइकिल पर बिठाकर मानक मऊ बड़ी नहर के किनारे पक्की सड़क से होते हुए बाईपास हाईवे के नीचे से होकर बगल से जा रहे रजवाहे की पटरी पर ले गए थे, जहां पर इन्होंने चाकू से वार कर व तार से गला घोट कर विनय की हत्या की थी। मंडल ब्यूरो सहारनपुर से हैदर अंसारी की रिपोर्ट। 14 तारीख को एक लड़का थाना सदर बाजार क्षेत्र से गायब हुआ था और उसकी डेड बॉडी 16 तारीख में रामपुर थाना क्षेत्र में मिली थी। बाद में फिर उस लड़के की पहचान हुई विनय नामक लड़के के रूप में। उसमें थाना सदर बाजार में तत्काल उसमें अभियोग हत्या का लिखा गया। हत्या में जो तीनों अभियुक्त शामिल थे तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आला कत्ल उनकी निशानदेही पर बरामद कर लिया गया है। हत्या के पीछे जो वजह आई है, इसमें से जो तीनों अभियुक्त में दो अभियुक्त हैं, दोनों की अपनी अपनी वजहें थी। दोनों का मृतक विनय से झगड़ा हुआ था, पैसे का भी लेन देन था, इसी को लेकर इन्होंने अपना एक योजना बनाकर उसको बहका के ले गए और वहां पे फिर बियर वियर साथ में पी और फिर उसकी चाकू से हत्या करके नहर में उसकी लाश को फेंक दिया था। रहते थे और दो उनसे आपस में झगड़ा हुआ था, उसी को लेकर जो इसमें दो मुलजिम हैं उन्होंने योजना बनाकर